हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कॉलम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास एक कॉलम है और ये उसका डेप्थ है, ये उसका विड्थ है और यहाँ पे रिबार्स है, यहाँ पे भी रिबार्स हो सकता है। अब कॉलम के लिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेटली नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो हम रिफर करेंगे। सबसे पहले कॉलम में ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी। तो पी यू मतलब है अल्टीमेट लोड ऑन द कॉलम, कि आपका जो कॉलम है वो कॉलम के ऊपर क्या लोड आ रहा है। सपोज मैं ये इंटीरियर कॉलम की बात करूँ तो ये इंटीरियर कॉलम के ऊपर कौन सा लोड, कितना लोड आ रहा है, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर 0.4 वो तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। FCK कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर आप M20 डिजाइन कर रहे हो, M20 ग्रेड यूज कर रहे हो तो 20 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आएगा। फिर M30, M45 लाइक दैट। AG जो आपका ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, सपोज आप कॉलम को 500x500 कॉलम, 500mm x500mm का साइज का कॉलम डिजाइन कर रहे हो तो AG आपका बन जाएगा 0.5 × 0.5 अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। ASC आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील, अगर मान लो कि आपका जो कॉलम है वो कॉलम पे मान लो कि 4 रिबार्स यूज हुए हैं 16mm डायमीटर के, तो पाई बाय 4 × 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो आपका एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा 0.67, वो फैक्टर है। और FI यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, और ASC आपको पता है एरिया ऑफ स्टील है। अभी ये ASC कैसे फाइंड करें। ASC की वैल्यू हमें IS कोड हमने दिया हुआ है कि 0.8% to 6% आपको लेना है, तो 0.8% से लेके 6% तक आप ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट ले सकते हो। जनरली हम 3 to 4% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट लेते हैं, 6% हमारा स्टील बहुत ही हाई हो जाएगा, तो हम 3 to 4% हम जनरली लेते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कॉलम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको किस तरीके से डेड लोड और फ्लोर फिनिश लोड वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बारे में आपको डिटेल में सिखाऊंगा, और वो सब लोड को कंसिडर करके किस तरीके से वो लोड हम अपने ये कॉलम की फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं और उसके हम प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लिटल बिट थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है कि किस तरीके से आप प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बताया है, लेकिन अगले वीडियो में हम लोड कैलकुलेट करेंगे और वो लोड की हेल्प से हम प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ कॉलम के बारे में देखेंगे।